हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है TCM फैमिली में। काफ़ी कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो बड़ी खुशी की, सबसे पहले तो बधाई हो सभी को कि इस बार आपका जो PAT एग्ज़ाम है वो टाइमली और टाइम से पहले, यानी सही टाइम पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। हर एक चीज़ जो ESB पहले पूर्व में नाम इसका व्यापम हुआ करता था, इसके द्वारा टाइमली सब चीज़ें आपकी करवाई जा रही हैं। तो इसी को देखते हुए जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज कर दिया गया है। एडमिट कार्ड तो अभी कम्प्लीटली नहीं है, बट इसमें क्या है कि आपका सिटी और डेट और आपका स्लॉट, कौन से स्लॉट में एग्ज़ाम है। तो देखते हैं किस तरीके से आपको एग्ज़ाम ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, मोबाइल में गूगल क्रोम खोलना है इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ESB, बस इतना डाल दीजिए और क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले जैसे ही आप ESB डालेंगे तो आपको ESB.MP सबसे पहले जो दिखेगा उस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश हिंदी जो भी आप प्रेफरेंस देते हैं सिलेक्ट कर ले लिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे, लेटेस्ट अपडेट का एक नोटिफिकेशन यानी पॉपअप विंडो यहाँ पर खुलकर आएगी। इस विंडो में आपको लिखा गया टेस्ट एडमिट कार्ड प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से क्या मिल जाएगा, एडमिट कार्ड के लिए मांगेगा कुछ डिटेल्स। अब उस डिटेल्स में आपको आपकी डिटेल्स बननी है। जैसे मैं एक बच्चे का एडमिट कार्ड आपको बता रहा हूँ डाउनलोड करके, ठीक है। तो जैसे इसका जो ये है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन नंबर, ये होगा आपका कितने डिजिट का, 2, 4, 6 यानी 13 डिजिट का नंबर होगा। डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो ये डेट ऑफ बर्थ है उस बच्चे का। कैरेक्टर की बात की जाए तो आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट, देखिए गलती मत कीजिएगा, जो एप्लीकेशन नंबर है ध्यान से एप्लीकेशन नंबर भरना है। डेट ऑफ बर्थ जो पर्टिकुलर दी गई है वो आपको DOB आपकी यहाँ पर भरना है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट 2 लेटर ऑफ मदर्स नेम, जो माता जी का आपकी नाम है उसके पहले 2 अक्षर, और लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर आधार कार्ड नंबर, और लास्ट के आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक भरने हैं। तो देखिए माता जी के पहले फर्स्ट 2 लेटर ऑफ मदर्स नेम यानी मम्मी के नाम के आगे के 2 अक्षर, और आधार कार्ड के, मोस्टली बच्चे यही गलती कर रहे होंगे। इसके बाद लास्ट में आपको कैप्चा देखना है, ये 58 - 20 कितना हुआ आपको, यदि मैं 8 में से 0 माइनस करूं तो देखिए 8 ही आ जाएगा, यहां पर ये माइनस करूं तो 38 आ जाएगा यानी 38। अब इस तरीके से आपको सर्च पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका देखिए आ गया ना यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, DOB, यहाँ पर आ गया अभिनय सिंह यादव, और पिताजी का नाम क्या है, प्रमोद कुमार, और यहाँ पर पेपर इन्होंने सेलेक्ट किया C यानी Agriculture 1, Agriculture 2 और 3। एग्जामिनेशन सिटी जो है यहाँ पर भोपाल है। एग्जामिनेशन डेट है 8/6 को पेपर है उनका, कब है, कौन सी शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट यानी 2:30 से 5:30 यानी 2:30 से 5:30 PM तक ये पेपर इनका रहेगा। तो देखिए ये एडमिट कार्ड रिलीज करने का जो उद्देश्य है इनका यही है कि सबसे आपको एक हफ्ते पहले सिटी का पता चल जाए, ताकि जिनको टिकट विकेट करवानी उनकी टिकट भी हो जाए, आपके रहने का खाने का आप वहाँ पर व्यवस्था भी कर ले तो दिक्कत ना हो, मतलब पहले पहुँच जाए। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यू कैन डाउनलोड योर डिटेल टेस्ट एडमिट कार्ड, यानी आप पूरा कंप्लीट जो डिटेल टेस्ट एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 3 days before योर एग्जाम डेट, यानी एग्जाम के 3 दिन पहले। तो ये आपके लिए नहीं ले जाना है, बस इसमें आपको जो नोट डाउन करना है आपका सिटी, एग्जामिनेशन डेट और एग्जामिनेशन शेड्यूल यानी टाइम क्या क्या है, ठीक है, बस ये याद रखना है। बाकी 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, उसकी एक फोटोकॉपी आपको ले जानी है, साथ ही साथ आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड उसकी एक फोटोकॉपी करवा के रख लेना, साथ ही साथ आपको एक जो फोटो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी वो फोटो आपको ले जानी है, बाकी और कुछ भी नहीं आपको साथ में ले जाना है। इतनी चीजें ले जानी, आधार कार्ड हो गया, इसके बाद एक फोटो हो गई, और जो एडमिट कार्ड आप जब निकलवाओगे 3 दिन पहले वो एडमिट कार्ड लेके जाना है बस। तो बच्चे आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी या कंप्लीट हुई होगी। अब जिन पे डाउनलोड नहीं हो रहा तो कृपया वो सही एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आगे माता जी के 2 अक्षरों का, सबसे पहले जो फर्स्ट 2 लेटर है वो और आधार कार्ड के लास्ट 4 लेटर्स वो आपको डिजिट भरने हैं, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएगा, अच्छे से कैप्चा देखिए, यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यदि कोई दिक्कत आती है फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए
यहाँ पर जो टोल फ्री नंबर दिया गया, एक तो ये लैंडलाइन नंबर है और टोल फ्री नंबर है, यदि नहीं होता तो आप इस पर संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड के बारे में पूछ सकते हैं। किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया हो फॉर्म, कुछ भी हो गया हो, तो एमपी ऑनलाइन पर भी आप जाके पूछ सकते हैं या व्यापम पे भी लगा के फोन आप पूछ सकते हैं, वो सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। कंप्लेन आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ईमेल आईडी दे के रखी है, एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। आई होप कि अब सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इस थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं कल से हमारी, हाँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज, कल से आपको शाम 6 बजे से मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सभी सब्जेक्ट की, तो मैराथन क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट कल के सेशन में मैराथन क्लासेस में। ओके, थैंक यू, शुभरात्रि सभी को।